चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन एक्स, साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स तीनों का आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो आता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सम में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको एलेवेंथ की ट्रिग्नोमेट्री याद करनी चाहिए ना, वहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करें हम लोग, जैसा हम लोग जानते हैं कि टू साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस साइन वाई, ठीक है, क्या होता है, जैसा आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले में क्या होता है आपका कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, लेकिन यहाँ टू तो है नहीं हमारे पास, तो टू से हमने मल्टीप्लाई और टू से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो वी गेट वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा, ठीक है, लिख दे रहे हैं आपके लिए, बाद में हम सॉल्व करके लिख देंगे, और माइनस कॉस टू एक्स प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस एक्स, और बाहर आपका साइन थ्री एक्स रहेगा डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए टू एक्स माइनस एक्स क्या होता है आपका, एक्स हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके हम लोग ये एक्स लिख देंगे और यहाँ पे थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स हो गया, ये कॉस है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, साइन थ्री एक्स को हम लोग, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, साइन थ्री एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन थ्री एक्स और यहाँ भी आ जाएगा आपका साइन थ्री एक्स, ठीक है, ये बाहर से अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ भी ये थ्री एक्स, यहाँ भी थ्री एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये साइन टू थीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट आपका सिंपल एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री साइन में आ गया आपका। यहाँ पे आपके पास साइन एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो टू साइन एक्स कॉस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ टू तो है नहीं, तो टू से फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए टू क्या आ गया, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम ले लेंगे, ये सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा सिंगल टू। अब टू ये अंदर क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट है, तो इसे बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो टू यहाँ आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर हट गया, ठीक। यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले क्या हो जाएगा, ये आपका वन बाई फोर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, मतलब थ्री एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका, फोर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स माइनस वाई, मतलब थ्री एक्स माइनस एक्स, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो में ब्रेक हो गया, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला था, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ सिक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये एक तीन प्रोडक्ट में था यहाँ पे, और ये सिंप्लीफाई होकर अब तीन सम बन गया है। अब सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपका इंटीग्रल जो होता है लीनियर ऑपरेटर होता है, तो इन तीनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा। तो आप अगली लाइन में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ दिस वन डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस वन एंड डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ साइन सिक्स एक्स और डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। तो साइन फोर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ फोर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स तो है नहीं, फोर उसका कोफिशियंट है, तो वन बाई फोर में आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, या माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा, यहाँ भी आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ सिक्स एक्स अपॉन एक्स, सिर्फ फॉर्मूला डालना है आपको सिक्स, और प्लस आपका क्या हो गया, इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी हो गया। तो दैट इज़ योर आंसर।